ओके दोस्तों, तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है, 3 नंबर। इसमें क्या बोलता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी कि एक खिलौना है, इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले की एक गोले पर क्या है, अध्यापित यानी कि खड़ा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। कि उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले बोलता है कि एक अर्ध गोरा है, ये क्या किया हमने, एक अर्ध गोरा बनाया, इसके ऊपर में क्या बोल रहा है, इसके ऊपर में एक क्या है, शंकु है, शंकु का फिगर हम बनाएंगे। ओके, और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम बोर्ड में मल्टीपल बार पूछिए, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओके फिगर हमारा रेडी है, इसमें इसके बाद क्या क्या मान दिया गया है। तो एक त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद संपूर्ण ऊंचाई दिया है, संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले के किसमें, शंकु में, शंकु में, ओके शंकु में क्या दिया गया, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो एच का मान कैसे निकालेंगे, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 15.5, तो यहां से यहां कितना दूर हो जाएगा, 3.5, तो इसके ऊपर निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं एच, इसको क्या बोला जाता है एल, तो एच बराबर क्या करेंगे, 15.5 और माइनस क्या करेंगे, 3.5, यानी कि टोटल यहां से यहां ऊंचाई कितना दिया, 15.5, तो इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये मेरा पार्ट बचेगा, तो 15.5 में 3.5 घटाने के बाद कितना आता है, 12। अब हमारे शंकु का वक्त पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि इसमें क्या दिया गया, गाइड एल नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर जो क्या होता है, आर स्क्वायर पे क्या होता है, रूट अंडर, एच का मान कितना है, 12, तो 12 पे स्क्वायर, इसके बाद आर का मान कितना है, 3.5 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो 12 पे कितना आता है, 144 प्लस 3.5 × 3.5 आप करते हैं तो 12 पॉइंट कितना आता है, 25। ओके, अगर इसको एड करते हैं तो टोटल हमारा होगा 156 पॉइंट कितना आता है, 25। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 12 पॉइंट कितना आता है, 5, 12 पॉइंट कितना आएगा, 5। ओके, तो हमारा एर का भी मान निकल गया। अब क्या होता है, अर्धगोरा, अर्धगोरा, अर्धगोरा में, अर्धगोरा में क्या दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया है, 3.5। यहाँ देखिए अर्धगोरा में आर का मान कितना दिया गया है, 3.5। ओके, तो अब क्या करेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र, तो क्या करेंगे, शंकु का यहाँ पे क्या रखेंगे, शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस किसका, अधूरा का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तुम्हारा शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अधूरा का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² 2πr² ओके, तो यहां पे मेरा पाई और आर क्या हुआ, कॉमन, इसमें क्या बचा, एल, इसमें 2 कॉमन एंड एक क्या बचा, आर बचा। ओके, तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। ओके, 22/7, आर का मान क्या है, यहाँ पे देखिए आर का मान कितना है, 3.5 का मान हमने निकाले हैं, 12.5 प्लस 2 गुना आर का 3.5, तो ये हो जाएगा 7×5 35 0.5 करिएगा, 22 × 0.5 करने के बाद हमारा जो मान आता है वो आता है 11 × 12.5 जूल, 3.5 × 2 करने के बाद 7, तो ये हो जाएगा 11 × 12 = 7 × 7 = 19.5। ओके, तो 19.5 क्या करेंगे, 19.5 × 11 अगर आप करते हैं तो 214 को कितना आएगा मेरा, 214.5 कितना आएगा, 214.5 cm², तो हमारा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना हुआ,
214.5। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसका आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पुश करके एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जिससे इजीली हट सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए हमारे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। ओके दोस्तों, तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का 13.1 का चल रहा है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 4 नंबर। इसमें क्या बोलता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या किया है, एक अर्धगोलाकार रखा है। अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है। दूसरा क्या, इस प्रकार ठोस से बने पीछे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे क्या करते हैं गाइज, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक घनाकार बना, यानी कि एक घन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्या करते हैं, घन बनाते। ओके, यहाँ पे एक घन बनाए। ओके, एक ये क्या बना, घन बना। ओके, अब घन के ऊपर में क्या है, एक अर्धगोलाकार है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक अर्धगोलाकार है, यहाँ से इसको क्या किया गया है, काटा गया। ओके, तो अब क्या बोलता है, घन का कुल कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपका घन का भुजा कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये भी सात, तब क्या बोलता है कि घनाव अर्धगोरे का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अर्धगोरे का अधिकतम व्यास क्या होगा, अर्धगोरे का अधिकतम व्यास क्या होगा, व्यास का मतलब जो यहां से यहां ये अर्धगो रहता है, जो व्यास भुजा है उस पे ही है, तुम्हारा अर्धगोरे का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, 7/2। ओके, तो मेरा आर का मान कितना हो जाएगा, यानी कि जो भुजा ऐसे नहीं लिख सकते, तो ए बटे कितना होगा, 2, तो 7/2 कितना हो गया, 2। ओके, 7/2 कितना निकला, 2। ओके, तो आर का मान निकल गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, प्रश्न से, तब क्या करेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस आधार का क्षेत्रफल। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, घनाभ है, ये क्या है, अर्धगोरे, तो घनाभ अर्धगोरे में ये भी तो पार्ट एक आ जाता है ना अर्धगोरे में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। किसको करेंगे, ये जो बेस है, आधार है, ये आधार वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो घन का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² 6 × भुजा² प्लस अर्धगोरे का वह पृष्ठीय 2πr² प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a² 2 में 1 गया, प्लस क्या हो जाएगा, πr² 6, भुजा मेरा कितना है, 7, तो 7² प्लस 22/7। आर का मान यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, 7/2। यहाँ पे ए का मान कितना है गाइस, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 7/2 × 7/2, तो ये हो जाएगा, एक बार कैंसिल, ये कितना हुआ, 11। तो ये 6 × 7/49 प्लस कितना हुआ, 11/77 कितना हुआ, 2। ओके, तो 49 × अगर आप 6 करते हैं तो मेरा मान आता है 294 प्लस कितना, 77/2। ओके, लघुत्तम मेरा कितना हुआ गाइस, यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, तो 294 × 2 करते हैं तो हमारा जो मान आता है 500 कितना आता है, 588 प्लस कितना हुआ, 77, तो 588 प्लस कितना करेंगे, 77, तो हमारा जो मान आएगा 665 कितना आ गया, 2। अब इसको अगर भाग देते हैं 2 से, तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 332.5 सेंटीमीटर। ओके, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक बार इसका आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं,
और कर सकते हो। ओके, और हमारा चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे।